17-18 साल से काम कर रही हैं, और मैंने उनको जब सुना था, जब मैं बहुत छोटी सी थी, एक गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ था, पतला दुपट्टा तेरा मोह दिखे, तेरा मोह बिल्कुल उसमें उन्होंने गाया था। तो मैं सच्ची में उनकी बहुत ही हुज फैन हूँ। और अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे प्यारी मनमोहक आवाज हरियाणा में कौन सी है, तो वो है, और मैं बहुत सच में मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। रीसेंट टाइम में जितने भी हरियाणवी गाने आए हैं उसमें आपने भी बहुत अच्छे गाने किए हैं, और लोगों के भी गाने आए होंगे, लेकिन आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे गाने सारे ही फेवरेट हैं मुझे। आपका डीजे पे मटकूंगी एंड ऑल लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स आर देयर, बट फिर भी किसी और का कोई पसंद हो, आपको लगता हो कि यार इसमें अगर मैं करती तो ज्यादा अच्छा कर सकती थी? नहीं, ऐसा तो कोई गाना नहीं है। ऐसा कोई मुझे गाना लगता है नहीं मेरे गाने ही बेस्ट है? हैं, हमेशा रहेंगे, और लोग इतना प्यार करते हैं उन्हें, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो प्यार करते रहे वो ज्यादा जरूरी है, और वो ही मेरे लिए बहुत है। जी, थैंक यू, थैंक यू। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन टू डायरेक्टर ऑफ द सॉन्ग? सर इनको पूछना। हेलो 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 हेलो, हाय सपना, ओके जस्ट दिस साइड ऑल्सो। अभी आपने जो आवाज सुनी यहाँ पर, मीनाक्षी पंचाल, शी इज योर विद अस, सुपर्ब सिंगर, ब्यूटीफुल सिंगर, आई एम मैम, वेलकम वेलकम, शी इज योर विद अस। साहब इज देयर और नॉट? वो ही मिस्टर दिवेश, वो तो सुबह का आ रखा है, कहाँ है वो? He's coming. Okay. एक तो पतले इतने दिखाई भी नहीं दे रहे, बड़ा छोटा सा लड़का ये तो। Please put it's really good one. ये जितना छोटा है उतना ही काम कर। नहीं नहीं, he's really one of the best director in Haryanvi industry because we are seeing him lots of time. तो चलिए सबसे पहले दिवेश, उत्तराखंड के राजा के लिए बहुत बहुत बधाई। Your song is going really very good and it's touching the towering heights. And my question to you is, आपने हर थ्रो में वीर साहू जी के साथ काम किया, मैम के साथ बहुत सारे गाने किए, तो दोनों हस्बैंड वाइफ में क्या डिफरेंस है, कौन किसके साथ काम करके अच्छा लगा, और दोनों में से कौन किसकी टांग खिंचाई करता है? सेट पे अवेलेबल होते हैं दोनों, आते हैं मिलने या नहीं, ये सब बताएं प्लीज। मतलब मेरे को, मैं भाभी बोलता हूँ, okay. मेरी भाभी है, तो इन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी कि देख उसका 6 महीने में एक गाना शूट करेगा, मेरे साथ रहेगा तो मेरे 1 महीने में 2 करेगा, तो तू डिसाइड कर ले। तो इनके साथ ज्यादा मजा आता है। ओके, ऑब्वियसली अब तो इनके साथ ज्यादा मजा आएगा ही। एनीवेज, थैंक यू सो मच। हेलो, हाय सपना, दिस साइड, हियर हियर ऑन द बैक साइड, हाय, इट्स पूनम चौधरी एंड यू कैन गेस आई एम फ्रॉम हरियाणा टू। अरे वाह। अच्छा सपना, दैट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, वैसे मैंने पूछना नहीं था, बट यू सेड कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो इसलिए अब मैं पूछना चाहती हूँ। मैं हरियाणा की अपने जितने भी रिश्तेदारों की वेडिंग में गई हूँ ना, उन शादियों में जितने गाने बजते हैं, हर गाने में लड़की को सिर्फ एक एज वो दिखाया जाता है कि वो सिर्फ एक दामन, चूल्हा और घूंघट तक रह रही है, उसके आगे छोरी बढ़े नहीं पा रही, क्यों? मैं आपका एक्चुअली मैं क्वेश्चन समझी नहीं। एक्चुअली एज यू कैन सी, आपका ये आज वाला भी जो सॉन्ग है, इट्स ऑल अबाउट कि एक लड़की अपने हस्बैंड से कॉन्वर्सेशन करे कि उसे पानी लेने जाया नहीं जाता है। वो कॉन्वर्सेशन उसके इंडिपेंडेंसी के बारे में क्यों नहीं हो सकती किसी गाने में? है, ऐसे भी गाने हैं शायद, फिर आपने सुने ही नहीं। बट आई एम सेइंग कि जो मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि एक नारी के ना बहुत से रूप होते हैं, और एक नारी के 2 हाथ नहीं होते, मेरे ख्याल से 200 हाथ होते हैं, और वो किस किस किरदार में किस किस तरीके से खुद को साबित करती है, ये उसके ऊपर है। मैं एक बहुत अच्छी बीवी भी हूँ, मैं एक बहुत अच्छी माँ भी हूँ, बहुत अच्छी बेटी भी हूँ, बहुत अच्छी बहन भी हूँ, और बहुत अच्छा मैं आर्टिस्ट भी हूँ। तो मेरे ख्याल से आप कौन कौन सी जगह स्टैंड करती हैं वो आपका है, मैं कौन कौन सी जगह स्टैंड करती हूँ वो मेरा है। और रही गानों की बात, तो ये हमारा पुराना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं कि एक लड़की घर में रहकर भी इतना काम कर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वुमेन बाहर काम कर रही है, वर्किंग वुमेन है, तो ही वो ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है, बता सकती है कि मेरे अंदर पावर है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। हमारी मम्मियाँ जिन्होंने हमें पैदा किया है, मेरे ख्याल से वो पूरा दिन कितना काम करती हैं वो यहाँ दिखाते हैं। ओके, एंड एज यू आर सेइंग कि ऐसे भी बहुत सारे गाने हैं, मैं बहुत कम हरियाणवी गाने सुनती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं आपको एक चैनल बताती हूँ, आप वहाँ जाइए, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट खोलिए, आपको पता लगेगा। मैंने एक वुमेन्स डे पे एक गाना किया था गुंडी, आप उसको देखिएगा। मैंने बोला ना लड़कियों के बहुत 200 हाथ होते हैं, अब आप कौन से किरदार में अपने आप को ढालती हैं, फिट करती हैं, वो आपके ऊपर है।
एंड व्हाट इज सपना's मर्दानी एंथम? मैं हूँ, वन एंड ओनली सपना चौधरी. ओके दैट्स इट, थैंक यू मैम. लाइव हो जाए एक गाना सुनना, लाइव सुनना चाहिए. कैन आई हैव सम क्वेश्चन मीनाक्षी मैम? सर बाद में लेना, बस बहुत हो गया कुछ. हाय मैम, दिस इज गौरव. आप थोड़ा लेट थे लेकिन आपके बारे में मैम ने कहा कि शी इज बीन आपको बहुत टाइम से सुन रही है ये और आपकी फैन भी रह चुके हैं. तो एक सपना जी एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है हरियाणा इंडस्ट्री. अगर मैं पिछले जितने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मैंने देखा, मैंने कंपनी इस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा. तो लेकिन जहाँ सपना जी का नाम आता है वहाँ से इंडस्ट्री शुरू होती है. तो आपको इनके साथ काम कर गाना कर कैसा महसूस हुआ और बींग अ आर्टिस्ट आपके लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत ही अच्छा लगा. और तो मतलब सपना के साथ गाना आना तो अपने आप में ही, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितनी बड़ी बात है और कितना अच्छा मुझे लग रहा है. मैं 2003 में मेरा फर्स्ट एल्बम आ गया था जब हरियाणा जो इंडस्ट्री है वो इतनी मतलब सिर्फ ऑडियो कैसेट्स चलते थे, सीडीज भी नहीं थी. ऑडियो के टाइम से मैं काम कर रही हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती थी. उसके बाद सीडीज आई, सीडीज के बाद फिर यूट्यूब आ गया. तो मेरी लाइफ भी, मैंने शादी कर ली, बच्चे हो गए. उसके बाद फिर मैंने दोबारा एक नई पारी की शुरुआत की और जो काम मुझे मिला वो मैंने किया. और मेरा भी एक सपना होता था कि मैं सपना के साथ गाना करूं, तो वो आज सच हो गया. तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है. जाने हम अब लाइव सुनेंगे आपसे, बिकॉज वहाँ वो फलते हैं, यहाँ से सुनेंगे लाइव. मैम थोड़ा सा प्लीज. मेरे सिर पे बंटा टोकड़ी और मैं पतली सी कामणे, मेरे बस की बात नहीं दामण की झोलिया थामणे. सुन ले ओ जमींदार तेरी आतंग होरी से नार, काम में क्यों चोर से घड़ा मैं गई, हमें गई हार भर तार पन घट दूर से घड़ा, हमें गई हार भर तार पन घट दूर से घड़ा, हो पन घट दूर से. वो हमें क्वेश्चन और आंसर में नहीं आएगा वो मोमेंट, वो दिल की बात है. फिर दोबारा मिलेंगे ऐसे ही सामने. ठीक है ठीक है. और जरूरी नहीं कि उसमें मैं ही दिखूं. अच्छा, ऐसा भी कोई जरूरी पर्दे के पीछे होंगे. बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते. अगर कोई अच्छा टैलेंट मिलेगा मुझे लगेगा मेरे से बेहतर है. कई लोग मुझसे पूछते हैं दूसरी सपना चौधरी कब आएगी. दूसरी तो देखिए नहीं बन सकती, मेरी माई नहीं बना सकती, तो दूसरा क्या बनाएगा. लेकिन ये जरूर है कि जिस दिन मुझे लगा कि कोई है जो मेरे से ज्यादा इस इंडस्ट्री के बारे में सोचता है. काम करना एक अलग चीज होती है और सोचना एक अलग चीज होती है. जैसे हम पड़ोस के बारे में इतना नहीं सोचते जितना अपने घर के बारे में सोचते हैं, ये एक्चुअल में है. ऐसे ही हरियाणवी इंडस्ट्री मेरा घर है, मैं इसके लिए सोचती हूँ. और अगर मुझे ऐसा कोई मिलेगा जिसे मैं सच में बोल सकूँ कि हाँ ये है ये करेगा, तो मैं पक्का मैं कह रही हूँ मैं पैसे फूंक दूंगी. हेलो सपना जी, जैसे स्पोर्ट्स और सिंगर ज्यादातर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, बीच में कुछ लग रहा था कि आप भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं जैसे रखा हुआ आ रहा था, इसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा विचार इस बारे में ये है कि पॉलिटिक्स अभी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मेरा दिल और दिमाग उस चीज़ की तरफ अभी गवाही नहीं देता. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं लोगों के लिए नहीं सोचती हूँ. अगर मुझे कुछ अच्छे काम करने हैं तो बिना कुर्सी के भी हो सकते हैं, और वो मैं करती आई हूँ, करती रहूँगी. और जब मुझे लगेगा कि किसी कुर्सी की मुझे ज़रूरत है तो मैं खुद की पार्टी बना लूँगी. पार्टी का नाम क्या रखेंगे मैम? आम आदमी तो बिल्कुल नहीं रखेंगे. गुड आफ्टरनून मैम, दिस साइड राइट फ्रॉम योर साइड, दिस इज हाय, दिस इज गौरव. यू आर लुकिंग रियली रैविशिंग एज यूजुअल. एंड मैम आपने बिग बॉस किया, यू विल गेट द चांस ओवर देयर. आपने हरियाणा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया. एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा बीट्स टीवी चैनल. तो बीइंग अ हरियाणवी आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपने हरियाणा इंडस्ट्री ही क्यों चुनी? वहां पर आपको चांस मिल रहे थे, काम ज्यादा है या जड़े खींचती हैं? देखिए ये सवाल मुझसे ये मेरे लिए बहुत ज्यादा पर्सनली हो गया. हाँ. ये सवाल मुझे बॉम्बे, मैं ये नहीं कहूंगी वहाँ का काम नहीं पसंद, बहुत पसंद है. हाँ. लेकिन उनका जज करने का तरीका बहुत अलग है.
पंजाबी इंडस्ट्री, हरियाणवी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, चाहे उसमें आप तेलुगु लगाओ, कन्नड़ लगाओ, मलयालम लगाओ, मराठी लगाओ, काम करने के लिए बहुत सारी जगह है. और अगर आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए तो मेरे ख्याल से आप सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, है ना? आप दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे. तो ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी जरूरत हरियाणवी इंडस्ट्री को ज्यादा है. वहाँ बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं. मेरे ख्याल से वो लाइन में खड़े हैं जिनको चांस ही नहीं मिलता. और यहाँ बहुत कम है, टैलेंटेड लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ लोग ऐसे बहुत कम है जो पुश करते हैं. लोगों को आदत है अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचने की. मैं उनमें से नहीं हूँ. मुझे लगता है अगर यहाँ पे कोई भी टैलेंटेड है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको धक्का मार के और आगे ले. आपको नहीं लगता हरियाणा इंडस्ट्री में भी आजकल फेवरेटिज्म है, टीम्स बनी हुई है, ग्रुप्स हैं, अगर एक ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं लोग तो उसी ग्रुप के साथ, उसी डायरेक्टर के साथ? सर मैं ग्रुप में नहीं चलती हूँ. मैं अकेली थी, अकेली हूँ, अकेली ही रहूंगी, अकेली आई थी, अकेली ही जाऊंगी. हम सपना चौधरी और आपके हस्बैंड वीर साहू को साथ कब देखेंगे? उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त है. हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं. हमारा रिश्ता वो है जो एक मतलब आपके लिए आपकी बीवी कितनी इम्पोर्टेंट है वो आप ही जानते हो. शादी हो जाएगी फिर पता लगेगा. मैं बिल्कुल आप कर लीजिए जब बताएंगे. हमारा रिश्ता बहुत अलग है. हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं. हमारा काम से कुछ नहीं है. वो हमारे काम के बीच में नहीं आते, मैं उनके काम के बीच में. आपकी वीडियोस आती रहती हैं, यू पीपल वो भी मैसेज करके बनवा लेती हूँ एक आधी. क्योंकि बीच बीच में लोगों को लोगों का दिमाग और तरीके का है, चलता रहता है कि बस अब तो अलग हो गए हैं, बस अब तो ये हो गए, तो मेरे को घसीट घसीट के लाने की आदत है. मैं एक वीडियो तो बना ली. माई क्वेश्चन टू यू.